नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आप सभी दर्शकों का आप ही के चैनल पर। इस वीडियो में मैं साल 2020 के दौरान आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं यानी कि आपके करियर, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, दोस्ती, घर परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन में आने वाले अवसरों के बारे में ज्योतिषीय उपाय, अनुकूल महीने, मुश्किल भरे महीने, टिप्स और एडवाइस आदि मैं विस्तार से बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2020 अच्छी उन्नति का संकेत दे रहा है। यह उन्नति दोनों तरह से संभव है। पहला, उस सब चीजों की आप प्राप्ति कर सकते हैं जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे या आप कामना कर रहे थे, और दूसरा, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा वहां से भी आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। इस दौरान आप बुद्धिमानी से काम लेंगे और ईश्वर में आपकी आस्था भी बढ़ेगी। इस साल की शुरुआत में दशम भाव में बृहस्पति जी के सकारात्मक प्रभाव के कारण आपके प्रोफेशन में प्रगति के शुभ संकेत मिल रहे हैं। आपको कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों से भी लाभ मिलेगा। आप अपनी कार्य क्षमताओं और कार्य कुशलताओं के अनुसार पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपको अपनी कार्य क्षमताओं के लिए लगातार पुरस्कृत किया जाएगा और सराहा भी जाएगा। आप इस साल कुछ बढ़िया निवेश भी कर सकते हैं। इस साल के दौरान बहुत सारे जातकों के लिए नए व्यवसाय और रोजगार के उत्तम संकेत दिख रहे हैं। कन्या राशि के जो जातक नौकरी पेशा हैं, उन्हें अधिक वेतन, भत्ते, प्रमोशन और अनुकूल ट्रांसफर से संबंधित अच्छी खबरें आपके नसीब में दिखाई दे रही हैं। अप्रैल महीने के बाद आपको अचानक पदोन्नति भी मिल सकती है। व्यापारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए सितंबर और अक्टूबर के महीने अनुकूल होंगे। करियर को सफल बनाने के लिए ये अवधि अनुकूल दिख रही है। कुल मिलाकर ये वर्ष कामकाज और पेशे के लिए प्रगति का वर्ष होगा। कन्या राशि के जिन जातकों की लव लाइफ पिछले साल अच्छी थी, तो इस साल भी आप भाग्यशाली रहने वाले हैं। अगर सब कुछ आपके लिए अच्छे से चल रहा है, तो आप जो भी कर रहे हैं उसमें बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। कन्या राशि के जिन जातकों ने पिछले साल अपनी लव लाइफ को पसंद नहीं किया यानी कि अच्छी नहीं रही, तो इस साल आपको कुछ बदलाव करने के बारे में सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन आपके साथी के साथ अच्छा नहीं था। कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, रवैया भी कह सकते हैं। शायद आप सही साथी के साथ नहीं हैं, ये भी मुमकिन है। आप हमेशा कोई भी बात करने से पहले ये सोचें कि आप कैसे और कितनी बात करते हैं, और ये आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाने में मदद करेगा। कन्या राशि के विवाहित जोड़ों के बीच कुछ मुद्दों पर गलतफहमी कभी कभी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में प्रवेश के इच्छुक जातकों को अपनी जीवन साथी की खोज को तेज कर देना चाहिए। कुल मिलाकर इस साल कई अच्छे अवसर आपके रिलेशनशिप में सुधार के लिए आएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर उस व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के गोचर का अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन की हो चुकी और होने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप भी अपने जन्म कुंडली का सटीक अध्ययन कराना चाहते हैं, तो आप हमारे से पेड कंसल्टेशन लेकर उचित सलाह ले सकते हैं। आइए अब आगे के राशिफल के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2020 में पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी ये काफी शुभ दिख रहा है। साल 2020 की शुरुआत में आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति जी परिवार में शांति और सद्भाव बनाए रखेंगे। ये साल बृहस्पति जी का आपके चतुर्थ भाव में 20 नवंबर 2020 तक आना जाना लगा रहेगा, इसलिए आपको अपने परिवार से बढ़िया सहयोग मिलेगा। ये अवधि बच्चों के लिए भी अच्छी है। इस दौरान बच्चों की परफॉर्मेंस में धीमा परंतु नियमित सुधार होता रहेगा। 29 जून के बाद आप कुछ अच्छा हासिल करेंगे, जिसके कारण
परिवार में आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही आपको समाज में नाम और प्रसिद्धि भी मिलेगी। कन्या राशि के विद्यार्थी इस साल में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों के दौरान अच्छे परिणाम दे सकते हैं। रिसर्च वर्क करने वाले विद्यार्थी भी अच्छी प्रगति कर सकते हैं। जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थी इस साल कुछ कठिन समय से गुजर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो साल 2020 कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ है। इस दौरान आप मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होंगे। योग और मेडिटेशन जैसी गतिविधियों में आपकी रुचि के कारण आप मानसिक रूप से मजबूत और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। सौभाग्यवश पूरे साल में आपके लिए किसी भी गंभीर बीमारी की संभावना किए कोई भी संकेत नहीं दिख रहे हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आदत को बनाए रखें और समय का अच्छे से उपयोग करें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यह साल आपकी आर्थिक स्थिति के लिए शुभ है। आपके पास लगातार धन आता रहेगा, इसलिए आप सट्टेबाजारी, शेयर बाजार और अन्य जोखिम भरे साधनों से अधिक पैसा कमाने के लोभ में भी आ सकते हैं, लेकिन आप ऐसे तरीकों से या ऐसे माध्यमों से अपने धन को बिल्कुल बर्बाद ना करें। अधिक धन कमाने के लिए आप सोच विचार करें, आपको कुछ अच्छे रास्ते भी मिल सकते हैं। अपने से बड़ों और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें। शिक्षक, गुरु, मार्गदर्शक, सलाहकार और इंस्ट्रक्टर्स का सम्मान करें। अपने आसपास के पक्षियों और जानवरों को खाना खिलाएं। साल 2020 में कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल महीने हैं जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। साल 2020 में आपके लिए जो महीने कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं वे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। दोस्तों, यदि आप इस साल का अपनी राशि के पूर्णमान को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश वीडियो का लिंक दे दिया है और जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर अब देख सकते हैं। तो यह था आपकी राशि का इस साल का राशिफल। अगर आप ज्योतिष और उससे संबंधित रोचक और लाभकारी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट hindi.topastrologer.com/blog पर जाकर मनपसंद आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो बस इसे लाइक करें और वीडियो की जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। हम आगे भी बहुत सारे उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं और अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले निशान को क्लिक करके हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और बल मिलता है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय, खुशहाल रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।